दबी हुई आवाज के लक्षण क्या है, इसका मैनेजमेंट दोस्तों यस बात करते हैं आज वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आई एम डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों हर आदमी अपनी आवाज़ बड़ी सुरीली चाहता है एंड बहुत परेशानी का विषय है जब आपकी आवाज़ में बदलाव होता है। सो कैसे हमें पता लगे क्या वो कारण है, क्या उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट है, क्या है उसके प्रिवेंटिव फैक्टर्स। सबसे पहले दोस्तों एक नॉर्मल जो आवाज़ का हमारा पिच होता है उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, बट कई बार हमारी आवाज़ जो है धीरे 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 क्या है कि भारी हो जाती है, चेंजेज हो जाती है। दोस्तों कई बार तो आवाज़ क्या होता है कि जैसे फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं, जैसे एक बच्चा 13-14 साल पे होता है, एक लड़का या लड़की, तो उनमें एक सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर जो चेंजेज आते हैं, वैसे वॉइस का भी एक चेंजेज आता है। बट कई बार क्या होता है कि अडल्ट में जब ये आवाज़ जब चेंज होती है तो वो क्या है कि अलग अलग कारण से होती है। दोस्तों आवाज़ का जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे वोकल कोड होते हैं, वोकल कोड के यूँ अप्रोक्सीमेशन होता है, तो वहाँ से स्वरयंत्र में क्या है आवाज़ का प्रोडक्शन होता है एंड हमारे होठ, हमारे लिप्स, हमारा तालू, ये मिलके शब्द बनाते हैं। मोस्टली जो आवाज़ में बदलाव होती है उसमें दोस्तों वर्ड्स वो हर टाइप का बोल सकता है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है वो पूर हो जाती है। उसका एक रीज़न होता है कि नंबर वन, एक्सेसिव वोकल ट्रॉमा। वोकल ट्रॉमा दोस्तों क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत तेज बोलना होता है, बहुत कंटिन्यू बोलना होता है, पॉलिटिशियन है, सिंगर हैं, बस कंडक्टर हैं, आड़त वाले हैं एंड फेरी वाले हैं, टीचर्स हैं, दोस्तों इनको क्या है बहुत बोलना होता है। सो बोलने के कारण कई बार क्या होता है, जो हमारे वोकल कोड की जो बीच की जो ऊपर की लेयर होती है वहाँ पे क्या है हिमेटोमा हो जाता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है, कई बार क्या है वोकल कोड पे सूजन हो जाती है, कई बार क्या है वोकल कोड के ऊपर जो है दाना बन जाता है, जिसके कारण हमारा आवाज़ के अंदर दोस्तों भारीपन होता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर ये एपिसोडिक है या एक्यूट है, कई बार जैसे इलेक्शन में पॉलिटिशियन बोलते हैं, घर में कोई डेथ या कोई भी काम ऐसा होता है या कोई जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमारे को जो है वोकल कोड का यूज होता है, तो ये तो दोस्तों धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। बट अगर किसी को कंटिन्यू ये रहता है तो उसमें के एक FOL एक टेस्ट होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है उस FOL के टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो है वो बोलने का जो कारण है, आवाज़ में बदलाव का कारण है, वो क्या कारण है। नंबर वन, अगर उसमें पूरे वोकल कोड पे सूजन आ रखी है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक, कुछ दवा एंड आपको जो है उस पर एक स्टीरोइड दिया जाता है, जिससे वो हमारा जो वोकल कोड पे जो स्वेलिंग है दोस्तों वो ठीक हो जाती है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो हमारा वोकल कोड होता है उसके ऊपर वोकल नोड्यूल या पॉलिप बन जाता है, तो जिसको माइक्रोलेरिंजल एक सर्जरी होती है करीब घंटे भर की, जिसको दूरबीन की सहायता से हटा दिया जाता है। दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि इसमें बाहर से कोई चीर फाड़ टाँका पट्टी दर्द निशान नहीं होता, ये दूरबीन से अंदर के अंदर होती है एंड एक्यूट आपकी आवाज़ इमिडिएट जो है वो आपकी आवाज़ ठीक हो जाती है। सो ये है उसके ट्रीटमेंट। अब दोस्तों हमें ये है कि आगे हमें वापस प्रॉब्लम नहीं होनी, उसके प्रिवेंशन के लिए आपको धीरे बोलना है, बहुत तेज नहीं बोलना है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको थोड़ा सा आगे भी हमें ध्यान रखना है, स्मोकिंग हमें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चिल्ड बिवरेज हमें नहीं लेना है। सो इन चीज़ों से दोस्तों इसको वापस होने से रोका जा सकता है। सो दोस्तों आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली यूजफुल फॉर यू, यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एंड दोस्तों आप जो है हमारा जो है फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे आपके फ्लायर्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।